हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आपके अपने योगराशनी ब्लॉग में स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है, मैं स्कूटी कैसे चला पाता हूँ। स्कूटी मैं कैसे चला पाता हूँ इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम छोटे मोटे काम हैं जो करके आते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो मुझे वो सही करानी है। सो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा शायद WTP आईफोन सेंटर, वहीं दिखा रहा है मेरे को नेविगेशन में, सो वहाँ चलते हैं। विशाल का भी फ़ोन है, वो भी सही कराना है। फिर कंटिन्यू मैं मतलब रास्ते में भी बताता रहूँगा, क्योंकि घर ही घर का क्या बताऊँ, मतलब मैं इसको लेके जाऊँगा। सो यही चीज़ मैं दिखाऊँगा कि मैं इसी से जा रहा हूँ और कैसे कैसे मेरे को सिचुएशन प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी होती है। सो चलते हैं। For so long, I was living my life. Who's so wrong? Always numb in my... अभी गाइस फरमान भाई को भी लेना है, क्योंकि हम लोग इतना जानते नहीं है ना रास्ता वगैरह, सो उनको लेके चलते हैं। My battle on, building scars from the night, so far gone. Finally guys, अभी हम GT Mall पहुंच गए। So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the top. Okay, तो guys हम लोगों ने विशाल का और मेरा फोन सही करा लिया है, और बहुत अच्छा लगा मेरे को Apple Store आकर। Seriously बहुत fast service है। Thank you भैया। गाइस हम रास्ते में क्लिप नहीं बना पाए, और हम जल्दी जल्दी में आए कि घर पे जाकर क्लिप बनाएंगे कि स्कूटी कंटिन्यू कैसे वाली जो। बट सडनली मम्मी बोली कि मेरा कूलर ख़राब हो गया, उसे ठीक कर। तो इसके तार वार टूट गए हैं, वो फ्रंट साइड वाले, और ये पूरा भरा हुआ है। इसको खाली करना है पहले इस कूलर से, उस कूलर में पानी डालने के बाद फिर इसको थोड़ा करके देखते हैं, मे बी मेरे से हो पाए तो करते हैं। फिर आज तो नहीं, नाइट हो जाएगी, इसी क्लिप को मैं कंटिन्यू मॉर्निंग में स्टार्ट करूँगा, सो बने रहना। गाइज हमको ना देखो कितना टाइम हो गया इसको ठीक करते करते। दिन में स्टार्ट किया था मतलब 6:30 बजे के लगभग, और अब 8 बजने वाले हैं। 1.5 घंटे से योगी पे लगे हुए हैं, देखो पूरे पसीने में हो गए। पूरा खोला तो यार इसको, वही तो टेढ़ी हो गई पूरा बाहर निकालने में पूरा। ये देखो इसको बहुत सारी अच्छे से फिट, अब इसको फिट करने में भी ना कम से कम आधा घंटा लग गया। अब चेक कर देखा, कनेक्शन तो कर दिया, चेक करके देखते हैं चल भी रहा है नहीं चल रहा। अरे प्लग वन टाइम परफेक्ट आदमी हूं मैं, कंफर्म होगा। रेडी रेडी, रुको रुको, स्विच ऑन है? ऑन है। अबे तेरे से हां मेरा ऑन है। अरे चल गया, एक्सपीरियंस ब्रो, चलेगा पंप भी चलाओ, पंप भी चलेगा, पानी भी चल गया। सच्ची मेरे को पता है क्या लगा, सच्ची पता है मेरे को क्या लगा कि नहीं चला, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा वो स्पीड बनी ना तब पता चला कि चल गया। ऐसे थोड़ी तेरा भाई, देख कितना ऊपर कूलर था, कुर्सी उर्सी लगा के करना पड़ रहा है। देखो भाई साहब इतनी मेहनत करी हमने। ओ गिर गया। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, मेरी आदत है शुरू से ही कुछ ना कुछ तिक्रम करने की, सो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ ऐसे कामों की, तो हो जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहा करो, जिनके हाइट मेरे से कम है या कुछ ऐसा है जो सोचते हैं, तो ऐसा कुछ ही नहीं होता भाई, ट्राई करा करो यार। आधा घंटा एक घंटा लग जाएगा, हमें ही लग गया 45 मिनट लग गया। पहले पानी खाली किया, फिर इसको टेढ़ा किया, फिर प्लास पाना बाल्टी ये सब ढूंढा, फिर इसको खोला फिट किया, समझ जाओ यार। ओके तो गाइस कल रह गया था आधा वीडियो, क्योंकि रात हो गई थी और बना नहीं पाए थे। टॉपिक था स्कूटी कैसे चला पाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, सो अभी चलते हैं, थोड़ा सा मैं चला कर दिखाता हूँ और कैसे कैसे मैं पेड़ टिकता हूँ, कैसे मैं गाड़ी रोकता हूँ, सारी चीज़ें। चलो setting on all the shadows that I hold.
ओके तो गाइज कभी मेरे को जैसे ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है ना, तो मोस्टली मैं डिवाइडर के पास पास गाड़ी चलाता हूँ, जब जैसे मुझे पता है कि अब वहाँ पर मेरे को रुकना है तो मैं डिवाइडर के पास ले लेता हूँ, कुछ इस टाइप से पेड़ टेक के रोक के खड़ा हो जाता हूँ, या फिर बहुत रेयर ऐसा होता है जब मेरे को पेड़ टेकना ही होता है तो मैं ये वाला पेड़ ज़्यादा टेकता हूँ, राइट हैंड साइड वाला है ना, और इस टाइप से मैं दिखता हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब फील होता है। सो इसका भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि मैं जब कभी भी गाड़ी रोकता हूँ तो मैं ये डायरेक्ट स्टैंड लगा देता हूँ चलती गाड़ी में, और ऐसे रोक के खड़ा हो जाता हूँ और फिर ऐसे ही मैं इसको ऐसे उठा लेता हूँ, है ना। वो मैं करके दिखाता हूँ कैसे, लाइक ये गाड़ी स्टार्ट हुई और ये मैंने गाड़ी उठा ली और वापस भी लगा दी, और जब प्रॉब्लम आ जाती है कि यार अब तो पेड़ टेक नहीं होंगे तो ऐसा कोई लोड नहीं है। मैं वैसे मोस्टली शूज़ पहन के जाता हूँ, या कभी स्लीपर में होता हूँ तो स्लीपर में कुछ इस टाइप से इतने पेड़ टिकते हैं और शूज़ में थोड़ा ओवर हो जाता है, तो स्लीपर में मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल मैं स्लीपर में इस टाइप से लगता हूँ स्कूटी जब मैं रोक के खड़ा होता हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब फील होता है। तो बट क्या है, मैं तो पॉजिटिव रहने वाला बंदा हूँ, इसका भी तोड़ मैंने निकाल लिया, मेरे को क्या मतलब है। सो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि ना बैलेंसिंग करूँ, थोड़ी सी चला के दिखाता हूँ वहाँ तक। तो मैं क्या है मोस्टली इस टाइप से भी रोक के बहुत देर तक चला लेता हूँ, है ना, ऐसे धीरे धीरे, या फिर एकदम से लगाना पड़ता है कभी तो स्टैंड लगा लेता हूँ, या फिर एकदम से ब्रेक मारने होते हैं तो ये वाला पेड़ टेक लेता हूँ। तो मतलब खुद को इतना प्रिपेयर कर रखा है मैंने कि मैं कुछ इस टाइप से स्कूटी चला पाता हूँ, और डिवाइडर के पास मैं खड़ा होकर रोक लेता हूँ, और मुझे लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम होती है, मैं कभी ये वाला टेकता ही नहीं हूँ क्योंकि डायरेक्ट स्टैंड लगाने की आदत है, तो मैं ये वाला पेड़ नहीं टेकता, मैं मोस्टली राइट ज़्यादा घुमाना पसंद करूँगा। लेफ्ट में घुमा रहा हूँ तो भी मैं राइट की तरफ थोड़ा सा बैलेंस बना के कि हाँ मैं लेफ्ट घुमा रहा हूँ बट राइट में थोड़ा वेट रहे ताकि राइट पैर में जल्दी से टेक पाऊँ, सो इसलिए मैं ये वाला ट्रिक अपनाता हूँ। और मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी बहुत सी प्रॉब्लम होती होगी कि कैसे मैं स्कूटी चलाऊँ, या क्या खुद पर होना चाहिए भाई, तुम कर लोगे। छोटा सा बच्चा ताली बजा रहा है, अच्छा लगा। बैलेंसिंग करके थोड़ी देर तक कर लेता हूँ, कभी पैर टेकना पड़ जाता है तो एकदम से ऐसे टेक लेता हूँ, और मोस्टली तो मैं टेकता नहीं हूँ, बाकी घुमा के इस टाइप से घुमा भी लेता हूँ। बट ये वाला राउंड मेरे को डर लगाता है, घूम तो जाती है बट इधर वाले में ना थोड़ा डर सा लगता है मेरे को, इधर वाले में थोड़ा सा डर सा लगता है, तो उसको थोड़ा ऐसे इधर वाली साइड पे मूव करके फिर घुमाना होता है। तो कुछ इस टाइप से मैं स्कूटी बहुत ईजी वे में चला पाता हूँ, आई होप आप सभी को मजा आया हो, कमेंट में बताना और मैं इस टाइप के कैसे वीडियो बना सकता हूँ, थोड़ा सा आइडिया भी देना, या मेरे पास जो आइडियाज़ हैं मैं जो करके दिखा सकता हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया, और लाइक करना ना भूले, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, इन सब से मेरे को बहुत हिम्मत मिलेगी, सो प्लीज़ कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।